बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब कश्मीरी। आजकल हर कोई बूढ़ा छोटा हर कोई फेसबुक इस्तेमाल करता है। फेसबुक आम हो चुकी है, हर बंदे के पास फेसबुक होती है। लाजमी इंफॉर्मेशन कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ लोग वैसे टाइम पास के लिए फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हुआ कि मैंने अपने रिश्तेदार को फेसबुक की आईडी बना दी। अब उस रिश्तेदार ने कहा कि मुझे फेसबुक की आईडी बना दो। मैंने बना दी। जब आईडी बनाई तो पता चला कि उसे सब कुछ मैं समझा के आया, उसे चलाने का तरीका समझा के आया, कैसे चलती है, ऐसे होते हैं। फिर आखिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन करके बुलाता है कि इधर आओ, काम है कुछ। मैंने गया तो कहता है, इस बात की समझ नहीं आई कि जो फेसबुक पर मकान बना हुआ ये किसका है। मैं तो हैरान हो गया कि फेसबुक पर मकान कौन सा। खैर, वो पता चला कि वो जो साइट पर निशान होता है जहाँ पर पोस्टें खुलती है, उस जगह का पूछ रहा था कि ये मकान किस चीज़ का। मैंने आखिर तंग आकर कहा, मैंने कहा ये मार्क ज़करबर्ग का मकान है। फिर आखिर क्या हुआ, ऐसे ही उसने मुझे बहुत तंग कर रखा, लेकिन मैं भी बहुत तंग आ गया। जब इस तरह उसने मुझे तंग कर रखा, फिर मैंने सोच लिया कि इसके बस की बात नहीं है फेसबुक चलाना। फिर मैंने आखिर तंग आकर उसे कहा कि ये जो है ना, आजकल डेटा हैक हो जाता है, मोबाइल कंपनियाँ डेटे को चुरा लेती हैं, तो आपका डेटा ज़ाया हो जाएगा सारा कुछ। उसे डराया इस तरह करके। फिर खैर, उसे मैंने कहा कि आप छोटा मोबाइल रखें। उसे छोटा मोबाइल लेके दिया, उसमें कवालियाँ भर के दिए। आज तक खैर वो आप कवालियाँ सुनता है, इंजॉय करता है। आज तक भी मैं सुनता हूँ कि उसके मोबाइल पर कवालियाँ लगी हुई हैं जो मैंने भरा के दी थी। जो कुछ भी, आज मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक यह है कि फेसबुक पर लड़की की आई डी बनाना कितना फ़ायदेमंद है। जब मैंने फेसबुक खोली तो मुझे एक दोस्त ने समझाया कि फेसबुक पर जो आईडियाँ होती हैं लड़की के नाम से, उन पर मैसेज ना करना, वो जाली होती हैं, फंस जाओगे तुम, गलत हो जाओगे। खैर, मैंने उसकी सुन नहीं ली, लेकिन मैंने इस काम से बाज नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग करते हैं। मैंने एक गौरी का नाम सर्च किया, गौरी का नाम सर्च किया लड़की का। तो खैर, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर मैंने हेलो हेलो हाय से लेकर जितने मुझे इंग्लिश आती थी उतने मैसेज मैंने किए। खैर, मैसेज का सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने अपनी बड़ी खुशी से अपने दोस्त को बताया मैंने गौरी को फंसा लिया। अब मुझे क्या पता कि ये गौरी कैसी होगी। एक बहुत बड़ा बात थी कि गौरी कैसी हो। अब मैंने मैसेज उसने कहा कि तुम वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो मैसेंजर पर, तुम्हें पता चल जाएगा कि वाकई गौरी है या कोई और है। तो खैर, आस्ता आस्ता मैंने तैयारी कर ली। मैंने उसे मैसेजेस पर राजी कर लिया कि मैं वीडियो कॉल करूँगा। मैंने आखिर वीडियो कॉल की तैयारी की। उसके मैंने मुंह धोया, बाल फेरे, फेर लवली तिब्बत भी लगाई, और आखिरकार मैं तैयार हो गया वीडियो कॉल के लिए। वीडियो कॉल के लिए मैं बड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ कि कैसे कॉल होगी, कॉल आएगी तो मैं बहुत डरा हुआ। खैर, जो कुछ भी हुआ, मैंने सोच समझ कर कॉल लगा दी। पहले टोन बजती है कॉलिंग की, टू टू टू, फिर रिंगिंग की ट्यून बजती है, भुर, भुर, भुर। मैंने सोचा वाकई अब रिंग जा रही है। थोड़ी फिर जिसम में ऐसे हरकत सी होने लगी कि मैं डर गया कि वाकई अब कॉल जाने लगी। आखिर कॉल लग ही गई। जब कॉल गई, कॉल अटेंड हुई, कनेक्टेड हुई, तो उससे बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। जब कॉल अटेंड की तो आगे से ऐसी अजीब शक्ल का गोरा निकला, गोरा नहीं काला निकला, और मैं तो डर ही गया। मैंने तो उससे बाद वो दिन, उस दिन मैंने आईडी डिलीट की। उससे बाद मैंने सोच लिया कि अपनी ओरिजिनल आईडी, अच्छी सी आईडी बनाऊंगा ताकि अपना इज्जत बरकरार रहे। तो खैर, मैंने अपनी आईडी खोल ली, अपने नाम की आईडी बनाई, लोगों को मिनते कर करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करे। एक्सेप्ट जिन्होंने की, कोई पिक्चर भी मैंने प्रोफाइल चढ़ाई, 3 लाइक, 4 लाइक, 5 लाइक, 7 लाइक तक जाएँ। मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल काम है ये, तो कैसे अब होगा। फिर खैर, मैंने सोचा कि क्या वजह है कि जो लड़कियों की आईडी पर इतनी अवाम लाइक भी करती है सब कुछ। फिर मैंने सोच लिया कि मैं लड़की की आईडी बनाऊंगा। खैर, मैंने फेसबुक की लड़के के नाम की आईडी बना ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट इस तरह चलने लगी जिस तरह के सेकंड चलते हैं घड़ी पर, और लाइक्स इस तरह आए प्रोफाइल पिक्चर पर, 200-300 लाइक एकदम आ गए। मैंने सोच लिया कि अब भी औरतें कुक ढूंढती हैं, क्या बात है, अभी औरतें कुक ढूंढती हैं। और उस दिन मैं समझ गया कि लड़की की आईडी बनाना कितना कारनामा होता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी फ्रेंड रिक्वेस्टें आई हैं और कितने मैसेजेस लोग करते हैं। अजीब अजीब किस्म के लोग मैसेजेस करते हैं। एक कहता है कि तुम मुझे ऐसे पसंद हो जिस तरह पुलिस वालों को रिश्वत पसंद है।
एक तो मैंने ऐसा बंदा देखा है, उस्ताद है, एक प्राइमरी उस्ताद है, 50 साल उम्र है, उसको मैंने अपने ऊपर 20 साल बताई मैसेजेस पर, और वो तो कहता है कि आई लाइक यू प्लांटिंग। सोच रहा हूँ क्या दुनिया अकेली है, या बीवी से तंग आया हुआ है, या वो, या फिर वो अकेला है, क्या मसला है। तो खैर उसकी बीवी भी है, और फिर भी चाहता है कि वो मुझे फ्रेंड बना ले, तो कैसे हो सकता है ये। तो आइए मैं आपको अपनी फेसबुक जो बनाई है जाली उसकी तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों अब ये आ गए हैं मैसेजेस, देखें कितने लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कोई पिक्चरें भेज रहा है, कोई हेलो ठीक हो फलान हो, बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं, बंदा जवाब ही नहीं दे सकता है। हर किस्म के लोग मैसेजेस पर मैसेज, ये देखें अब कोई शायरी भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब मैं बताता हूँ कोई पिक्चरें भेज रहा है, शायरी, ऐसे लोग हैं बंदा सोच नहीं सकता। अब ये देखें हाय का मैसेज किसी ने भेजा है, अब देखें ये मॉर्निंग हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस, ये सुबह बखैर, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बंदा किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं तब सोचा कि वाकई कि लड़के की आईडी बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें कोई मिस कॉल मार रहा है, कोई वीडियो कॉल मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि बंदा इनका जवाब ही नहीं दे सकते। ये दोस्तों मेरी फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप चेक करें कि कितने लोग जो ना इस वक्त फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बेइंतहा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है। अगर मेरी ओरिजिनल आईडी होती ना तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी कभी महीने में एक आ जाए तो आ जाए, वरना मैंने खुद ऐड करता था। ये देखें फ्रेंड रिक्वेस्ट, जाली आईडी पर इस तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। ये बात नहीं है कि खाली पाकिस्तानी है, मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानी और एशिया के लोग ही खाली छड़की हैं, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि आप इनमें गोरे भी शामिल हैं, जो इंतहाई बड़े ही कैसे लोग हैं क्या बता सकता हूँ मैं आपको, अब वैसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता। देख सकते हैं कितनी बड़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, अभी नामुमकिन है इसको खोलना है, इतनी बड़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट है बंदा सोच नहीं सकता। लाता दात इतनी फ्रेंड रिक्वेस्टें आती हैं कि बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो अब मैं चलता हूँ मैसेजेस की जा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने कमान।